आप देख रहे हैं हिसाब खेल का, मैं हूं लक्ष्मी। भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत दुख की बात है कि DDCA के चीफ सेलेक्टर अमित भंडारी के ऊपर हॉकी से हमला हुआ। ऐसा किसने किया और क्यों किया, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी के लिए दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज ग्राउंड पर ट्रायल चल रहा था। अमित भंडारी भी वहां मौजूद थे। तभी अनुज टेढ़ा नाम का एक युवा क्रिकेटर उनके पास आया और अपने ना सेलेक्ट होने की वजह भंडारी से पूछने लगा, जिसके बाद अनुज के कुछ साथी मैदान में हॉकी स्टिक्स और डंडे लेकर आए और सीधा भंडारी पर हमला कर दिया। पुलिस ने अनुज और उसके भाई नरेश को गिरफ्तार कर लिया है, मगर बाकी दोषी फरार हैं। अनुज दिल्ली की अंडर-23 टीम में खेलना चाहते थे, जिसको लेकर यह मामला मारपीट तक पहुंच गया। दूसरी तरफ भंडारी पर हमले की पूर्व दिल्ली क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर ने आलोचना की है। जब बात सिलेक्टर्स की हो तो इंडियन टीम के सिलेक्टर MSK प्रसाद को कौन भूल सकता है। उन्होंने MSD यानी महेंद्र सिंह धोनी की तारीफ की। धोनी को T20 टीम से बाहर करने पर वो सोशल मीडिया पर जमकर ट्रॉल हुए थे। उसके बाद वो धोनी की तारीफ के कारण सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। BCCI चयन समिति के मुख्य अध्यक्ष MSK प्रसाद भी धोनी के कायल हो गए हैं। चयनकर्ता MSK ने कहा, इंग्लैंड में इसी साल होने वाले विश्व कप में महेंद्र सिंह धोनी टीम का अहम हिस्सा है। बीते सालों में धोनी की बल्लेबाजी की काफ़ी आलोचना हुई थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे पर उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से सभी को जवाब दे दिया है। मैं उनके प्रदर्शन से काफ़ी खुश हूँ। अब बात करते हैं देश की गोल्डन पहलवान विनेश फोगाट के बारे में, जिन्हें इस साल लॉरियस अवार्ड दिया जाएगा। इसे पाने वाली वो पहली भारतीय महिला होंगी। ऐसे में जब NNIS की टीम ने विनेश से बात की तो उन्होंने कहा, सच बताओ तो मुझे इस अवार्ड के बारे में ज़रा भी पता नहीं था। जब नाम आया तो मैंने ट्विटर पर इसके बारे में पढ़ा। कभी मैंने सुना ही नहीं था कि ऐसे भी अवार्ड्स होते हैं। जैसे मैं लीग में मैच लड़ रही हूँ, मेरे पास काफ़ी मैसेज और फ़ोन कॉल आ रहे हैं, फिर जो बोला कि क्या भेज रहे हैं लोग, मुझे पता नहीं कौन सा अवार्ड में क्या हो गया। फिर उसके बाद मतलब काफ़ी लोगों ने बताया कि ऐसे ऐसे बड़ा अवार्ड है। फिर मैंने भी उसका पूरा पढ़ा कि कैसे क्या है, तो काफ़ी बड़ा अवार्ड है। और अच्छा इसलिए लग रहा है कि रेसलिंग जैसे गेम को इतने वर्ल्ड लेवल पे इतना लोग मतलब अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो रेसलिंग के लिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आने वाला जो टाइम है वो काफ़ी हेल्प करेगा ये चीज़ भी। गूगल नहीं किया, जैसे ट्विटर पे और इन सब पे मैंने देखा कि न्यूज़ में मैंने पढ़ा कि क्या है, जैसे लोगों ने मुझे टैग किया, फिर मैंने देखा कि एक्चुअल में ये क्या चीज़ है। तो काफ़ी बड़ा अवार्ड है और मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। अगर वही है कि अगर मेरे थ्रू अगर इंडिया कहीं भी आगे जा रहा है और मेरी रेसलिंग आगे जा रही है, तो इससे अच्छा हो क्या होगा। तो ये बात साफ हो गई कि विनेश फोगाट को लॉरियस अवार्ड के बारे में नहीं पता था। लेकिन क्या आपको शूटर दादी के बारे में पता है, हाँ या नहीं, देखिए इस रिपोर्ट में। अनुराग कश्यप सांड की आंख नाम की एक बायोपिक बना रहे हैं, जिसमें तापसी पन्नू और भूमि पेड़नेकर शूटिंग करती नजर आएंगी। ये फिल्म शूटर दादी के नाम से मशहूर प्रकाशो और चंद्रो तोमर पर आधारित है। बता दें कि चंद्रो और प्रकाशो दोनों देवरानी और जेठानी हैं। 86 साल की दादी प्रकाशो और चंद्रो दोनों ने निशानेबाजी में काफ़ी नाम कमाया है। 1999 से लेकर 2016 के बीच दादियों ने 25 नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप जीती, जिसमें एक बार प्रकाशो ने दिल्ली के DIG को हराकर गोल्ड मेडल जीता था। इस तरह खुद पर फिल्म बनता देख दोनों काफी उत्साहित हैं। बड़ा बढ़िया लग रहा, हमारे जीवन पर फिल्म बन रही, हमें बहुत अच्छा लग रहा। गांव को भी सबको सही लग रहा, हमें भी सबको सही लग रहा। हाँ मिले वे, हाँ चंद्रो और प्रकाशी दोनों मिली, वे पुरानी हम पुराने, वे नवे उनसे मिले, बात करी उन्होंने, बहुत फोटो खिंचवाए दोरे, उन्हें भी बहुत ज़्यादा खुशी है हमारे ते मिल गए। और हमें भी गर्व है जो हीरोन हमारे पास घर पर मिलन आई। तो ये थी खेल जगत से जुड़ी कुछ खास जानकारी। देखते रहिए हिसाब खेल का। आप हमारे शो में और क्या देखना चाहते हैं, दीजिए अपने राय।
प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।